मैच हारते देख कप्तान रोहित ने बीच मैदान खिलाड़ियों पर जब उतार दिया गुस्सा। हार से दिल मिलाए कप्तान रोहित शर्मा ने बीच मैच में आपा खो दिया। अंपायर के आउट ना देने पर पकड़ी दिनेश कार्तिक की गर्दन, फिर हंसी से दिखाया मजाक। रोहित का रवैया देखकर पूरा मैदान हैरान। रोहित ने जो मजाक किया था वो मजाक नहीं था। बीच मैदान दिनेश कार्तिक की जब गर्दन पकड़ी थी तो गुस्सा उनके चेहरे पर साफ था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच मोहाली में हुआ। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4 विकेट से रौन दिया और सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली। इस मैच के दौरान भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और विकेट कीपर दिनेश कार्तिक के बीच एक अजीबोगरीब वाक्य देखने को मिला। दरअसल पारी का 12वां ओवर तेज गेंदबाज उमेश यादव ने किया। इस ओवर में उमेश ने 2 विकेट लिए, लेकिन दिनेश कार्तिक विकेट के पीछे से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ अपील नहीं कर रहे थे। ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ। पारी के 12वें ओवर में 3री गेंद पर जब स्मित को कार्तिक ने विकेट के पीछे से कैच आउट कराया, तब भी उनकी अपील में वो विश्वास नहीं था। जब मैक्सवेल आउट हुए तब भी ऐसा ही हुआ। इसके बाद रोहित गुस्से वाले चेहरे के साथ कार्तिक की तरफ बढ़े, उनका चेहरा पकड़कर कुछ कहने लगे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और फोटो में रोहित विकेट कीपर कार्तिक की गर्दन पकड़कर जोर जोर से हिला रहे थे और उन पर चिल्ला भी रहे थे। कार्तिक को धमकाने का वीडियो सामने आने के बाद फैंस रोहित की आलोचना कर रहे हैं। उन्हें कह रहे हैं कि शर्म करो। बता दें कि इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए उपकप्तान केएल राहुल ने 35 गेंदों में 55, सूर्य कुमार ने 46 रन, हार्दिक पांडे ने 30 पर 71 की धमाकेदार पारी और निर्धारित 20 ओवर में भारत ने 6 विकेट पर 208 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए नाथन एलिस ने 3, जोश हेजलवुड ने 2 और कैमरून गई ने 1 विकेट लिया। वहीं कैमरन ग्रीन ने तूफानी पारी खेलकर अपनी टीम को जीत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया और बाद में मैथ्यू वैड के तूफानी रनों से ऑस्ट्रेलिया शानदार अंदाज में इस मैच को जीत गया। लेकिन इस मैच के हारने के बाद रोहित शर्मा का जो बयान आ रहा है जरा वो भी सुन लीजिए। मैच के बाद रोहित शर्मा ने निराशा जाहिर करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि हमने अच्छी गेंदबाजी की। 200 का बचाव करने के लिए एक अच्छा स्कोर है। हमने मैदान में अपने मौकों का फायदा नहीं उठाया। हमारे बल्लेबाज की ओर से ये अच्छा प्रयास था, लेकिन गेंदबाजों ने खराब प्रदर्शन किया। ये ऐसी बात है जिन पर हमें गौर करने की जरूरत है, लेकिन ये समझने के लिए क्या गलत हुआ, ये हमारे लिए एक अच्छा मौका है। आगे वो कहते हैं, हम जानते हैं कि ये हाई स्कोरिंग ग्राउंड है। ऐसे मैदान पर 200 के स्कोर का भी आप आराम से चेस कर सकते हैं। हमने कुछ हद तक विकेट लिए, लेकिन उन्होंने वास्तव में अच्छा खेला। उन्होंने कुछ असाधारण शॉट खेले। अगर मैं उस चेंजिंग रूम में होता तो मैं उस कुल का पीछा करने की उम्मीद करता। आप अंतिम 4 ओवर में 60 रन आसानी से बचा सकते थे। देखना होगा अगले मुकाबले में रोहित शर्मा की टीम कैसा खेल दिखाती है। क्या इस गलती से सीखकर रोहित शर्मा अगले मुकाबले में शानदार तरीके से खेलते नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हेडलाइंस स्पोर्ट्स।